जी आर्मी ने जीतिया मैच ओवर टू कमेंटेटर पैनल जी लो बहुत बढ़िया नजारा खेड कबड्डी का जिस समय खेड मैदान में खेडा जा रहा है और दुवे पास पहले रेड़ के हाथ जोड़ मत्था टेक पहले रेड़ पाई होवे जफा पेंदा वेख ताड़ी लोगों ने बजाई होवे पहला पॉइंट लिया जो आड़ हंध्या खड़ता है फिर दिल गबरू जुड़ी करता है पर आ सामने मुंडा इस समय खेड मैदान के बिलाल असलम गिल नागा की धरती है पाकिस्तान वापटा वाला गबरू जो समय खेड मैदान से बल्ले बल्ले करवाता होया लो दुवे पासे फिर रेड लो पट्टीवाल परिवार के पुत की कबड्डी बन जा रही है लो सामने चार चौथे अटैक चौथे हमला बोलिया होया लो आ मुंडा पाकिस्तान ऑर्डर सेक्टर वाला मुंडा बद के मोरफ कटक की ट्राई करता होया सो बहुत वधिया नजारा खेड कबड्डी का जिस समय खेड मैदान में खेडा जा रहा है लो सिरे का मैच सिरे की टक्कर और आदा पहला बड़ा बाई आर्मी वालों नैशनल चैंपियनशिप खेड के गया मुंडा और आ मुंडा फिर जो दो सके भरा चैंपियनशिप खेड रहे हैं पाकिस्तान ऑर्डर सेक्टर के वालों नौजवान खावर सियाल शाने सियाल का छोटा वीर और सामने मुंडा फिर जो बल्ले बल्ले ट्राइया करते हुए जी सामने फिर अगली कल मुकाबला होने लगा जी और सुपीरियर पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम ग्राउंड अपर जे यूसीपी की टीम ग्राउंड आ गई है फाइनल मुकाबले वास्ते पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम ग्राउंड च आजे क्योंकि यूसीपी की टीम ग्राउंड आ गई है फाइनल मुकाबला ठीक 5 मिनट पर स्टार्ट हो जाएगा 22वीं इंटरवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप 2000 जो उधर यूनिवर्सिटियां दे मैच हो रहे ने दोनों टीमां फाइनल वास्ते उत्थे पहुंचन लाओ सामने चार जापी इमरान वाला और नाल ही बलाल असलम गिल अतीक बाबा और अवैस किंग वर्गे नामवर खिडारी के दुध नू हक ना करिया कर पुत्रा शक ना करिया कर ओ जीवन रेत ते केरे वांगू इन्ना पक ना करिया कर बलाल असलम गिल के वड्डा थम जापी मनिया जांदा है पॉइंट अपनी टीम दे हिस्से पॉइंट पाकिस्तान वापडा टीम दे हिस्से कबड्डी पाएगा अजीम चट्ठा चौधरी शेरजमान चट्ठा जी चौधरी शाहनवाज चट्ठा जी तवज्जो नौजवान का नाम अजीम चट्ठा कहने ए पिंड मुठिया वाला नौजवान का और इलाका सांगला बनता है बाबर वसीम गुजर जी ए मुंडा कहने पिछे हटे है सामने वेख्या जा रहा है आओ लै गया नंबर पाकिस्तान वापडा कबड्डी टीम के हिस्से अगला वारा फिर जी लो बहुत बढ़िया नजारा और अजीम चट्ठे ने सो बढ़िया पॉइंट अपनी हिक ते जोड़ा लो दुवे पासे फिर अल्लाह तौबा कीती रब सुणन कीता याद के इबादत कर इबादत करन ना गल बणदी ए किसे दी अज बणदी ए किसे दी कल बणदी ए लो गल अज कल पर आ मैच पूरे 6 दिन खेडे जाने है और सामने किंग ओवैस किंग किंग छेड़ लिया किंग कादा प्रिंट छेड़ लिया ओवैस किंग पाकिस्तान वापटा दे वल्लों जो वधिया होके निकलन दी ट्राई करदा फिर पॉइंट रेडर दे खाते पाकिस्तान ऑर्डर सेक्टर दे खाते लो आ मुंडा जो कबड्डी पाउण दे वास्ते बग चुका है इस जिले मंडी बहावल दीन वाला मुंडा रजीब गोंदल गोंदल परिवार का पुत लो सामने चार और चहों के बीचों आ मुंडा मोहरे होके जो डकन दे ड्राई करता होया पर पॉइंट और रजीब गोंदल अपनी हिक ते जोड़ता होया सो वधिया पॉइंट दा वाधा करता होया जी अगली कबड्डी फिर आपां देखांगे भावें तजर्बे घट ने जवानियां पूरियां ने सोहने शरीर बनाए हुए ने पिछला पॉइंट आ कहिंदे हाजी अशरफ गोंदल साहब रजी गोंदल ने अपनी टीम दे हिस्से जोड़े है लाओ चार जापी और तक्का मार के सामने कहिंदे देखा जाएगा कि बनदा की है एक जापी सीधा कहिंदे मेरे विच वजा आके लाओ सामने कबड्डी पवेगी खालिद पट्टी हाजी अमानत पट्टी मरहूम का पुत्र और पिंड चंद्रामा सामने देखा जा रहा है हीरे पट्टी का पेंड मुंडा नंबर का वाधा है कि 16 साल के अरसे तो एक मकान से कबड्डी खेडन वाला 3 महकमे ज्वाइन किए ने और अज वापटा की टीम का मेन रेडर बन के इस वे वारे करता है चल भाई पीओ एफ वाह की टीम का खिडारी चंगा कहिंदे तगड़ा जुस्सा है मोटे पट्ट ने पर कहिंदे पट्टा छांटिया जा सकता आओ देखना जी की बनिया और राणा साहब दसणगे डबल टच का इशारा के शाने सियाल दा मैदान दे विच जिले सांगले दी धरती वाला मुंडा पाकिस्तान वापटा दे वल्लों खेडदा है अरसलान पट्टू और कबड्डी दा जैम्स बॉन्ड सो सोहणी रंगली निकर पाई हुई है और राणा फरहान लगा होया है राणे परिवार दा पुत के सानू दसना नहीं पैंदा असी कौन हुंदे है
पाकिस्तान मुंडा राणा फरहान आओ मसूर जरना जी रजाक गुजर जी जो मैनेजर है कोच है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्टर की टीम दे सो उन्होंने वालों जो वधिया वधिया जो शबाशी दी जा रही है अपने प्लेयरां नूं और दूजे पासे फिर रेड आ मुंडा जिस समय खेड मैदान दे विच चहु ते नजर टकाईयां हुई है सामने बिलाल असलम गिल है इमरान वाला पर आ छपंजे घियाले वाला आ नौजवान अवैस जट और किंग मुंडा पॉइंट दा वादा करदे गोत चट्ठा ऐ कबड्डी पा रहा सामने नौजवान अजीम चट्ठा चल बई सोनिया के सीना तान खलो सकती है हिम्मत धोने तो सकती है किन्ना कुचर किस किस कोलो और दौलत ऐब लुको सकती है नौ पॉइंट रेडर दे हिस्से असगर अच्छू ने रसिया है के नंबर रेडर दा होया है पाकिस्तान वापडा केंद्र शफीक चिश्ती भी अज निकल दिया जेबा गर्म कीतिया हुई है आ सामने देख रहा है कबड्डी के अगले वारे ते नौजवान पुजे है जेड़ा बंदा पाकिस्तान ना प्यार करता है एक बारी क्लैपिंग करेगा ताड़ी मारो एक बारी पंजाब स्टेडियम का यह रौनक भरिया स्टेडियम इतने जरा एक बारी ताड़ी की आवाज गूंजनी चाहिए है लाओ सामने आ चारे जापी बिलाल असलम गिल आओ चौरी फरक गिल का पी वीर नंबर होया जनाब रेडर का चल भाई कहते रिजवान आ सामने रजी गोंदल रजवान अमीर रजी गोंदल हाजी अशरफ गोंदल उन्होंने इलाके का नौजवान सामने चारे जापी लेकिन आओ लगा है मुंडा पिछला जप्पा एक नौजवान ने कहते बाहर कटिया सी केनू आओ जैम्स बॉन्ड अपना अरसलान वट्टू नो लो वधिया नजारा जिस समय खेड मैदान भी खेडा जा रहा रजी गोंदल फिर पॉइंट का वादा करता हुआ और आ मुंडा जिस समय खेड मैदान भी फिर कबड्डी पाउण दे वास्ते बढ़ चुका है लो सामने चार है आ मुंडे चारे तैयार है जिदे विच नौजवान अवैस किंग बिलाल असलम गिल और इमरान वाला ए इमरान वाला धक्के 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 के साडा चलदा है धक्का असी तह कर दे साडा चलदा है धक्का असी तह कर दे दूजे पासे फरेड पट्टी परिवार का पुत के बिस्मिल्ला बोल के बारी खोल के फ्रंट वाली सीट उत्ते बैजा पलिए तेरे यार ने ट्रक नवा लै लिया चल दाता साहब चलिए लाहौर की नगरी और दाता की नगरी लाहौर के सजा होया थपया होया मैदान बतालवी नैशनल चैंपियनशिप जो खेडी जा रही है पंजाब स्टेडियम में सामने कावरा नौल पाकिस्तान ऑर्डर फैक्टर के वालों डकर की करता है ट्राई पर पॉइंट फिर कहते और खालद भट्टी के खाते हो चुका है सो पाकिस्तान वापस खाते फिर वधिया पॉइंट जी बिल्ला जी सामने देखा जाएगा कहिंदे शाने सियाल दा वीरा के जेड़ा अज दी गल करदा है ओहो चज दी गल करदा है सारे जग नू लुट्टण वाला अज कल हज दी गल करदा है सामने चार जापी अवैस किंग कमर बट सामने बिल्ला अपना आ देखना पैणा जी लाओ लगा होया कमर बट कहिंदे 146 चक चट्टे लाओ लै गया नंबर होया जनाब इस शाने सियाल दा छोटा वीर नंबर दवा दा मुंडे दा एडा वड्डा कद नहीं जिड्डे वड्डे काम कीते ने कहिंदे सारी उम्र अपना 78 किलो वेट दे विच मलक मुश्ताक ने अपनी जिंदगी दे विच ओ खेड खेडी है जिहड़ी दुनिया ते याद कीती जांदी है जी जनाबे तैयब शाह जी इधर फाइनल मैच होने लगा सी इंटरवर्सिटी दा जिंदाबाद जी सो थैंक्स लव यू जनाबे जी माइक ओवर टू जनाब मलक सफदर साहब सो थैंक्स लव यू लो जी कबड्डी का फाइनल मुकाबला आल पाकिस्तान इंटरवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप 2022 पंजाब यूनिवर्सिटी बा मुकाबला यूसीपी बहुत तगड़ी टक्कर बहुत वड्डा मुकाबला वेखो कौन बनता चैंपियन इंटरवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का मुकाबला बिल्कुल बंद कर लिया इधरों जी करो मलिक साहब करो बहुत शुक्रिया इंज कही गल सीटी कहीं कही जी कुर्सी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी की इधर पै गई कबड्डी बिल्ले की बिल्ला कबड्डी के रेड के उपर सद के जावा जिंदाबाद सैकटरी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जिन्होंने नूरुल अमीन मैंगल साहब स्टेज की बंदे पर जी आया खुश आमदीद वेलकम पखैर अगले जिन्होंने नूरुल अमीन मैंगल साहब सैकटरी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड मेरे ग्राउंड की बंदे रौनक जी आया खुश आमदीद वेलकम पखैर अगले तुम आए मेले सज गए ने
साडे नैन प्यासे रज गए ने। जनाब नूर अमीन मैंगल साहब सैकटरी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, स्टेज की बनते पे रौनक, स्टेज के बनते पे प्रधान सत बिस्मिल्ला जी आया नू प्यार से रखने पाए ने। उधर मैं विनती पाया कि सैकटरी पाकिस्तान कबड्डी फैडरेशन मोहम्मद सरवर राणा साहब की ग्राउंड के रौनक बनते पे ने। स्टेज उत्ते देने वास्ते बिल्कुल तैयार पर तैयार नौजवानों का फाइनल मुकाबले का मजा लेंदे पे ने। सदके जिंदाबाद। और जिन्हें भी दीगर दोस्त स्टेज की बनते पे रौनक, सब का बहुत शुक्रिया, सब की बहुत मेहरबानी। लव यू जिंदाबाद जी। जनाबे नूर अमीन मैंगल साहब जी आया नू खुश आमदीद, वेलकम पखैर रागले। मोहम्मद सरवर राणा साहब सैकटरी पाकिस्तान कबड्डी फैडरेशन, इन्हों की संगत विच स्टेज ने इन्हों के हमरा स्टेज में इज्जत देने आ रहे हैं। नौजवानों की खेड देखने वास्ते आ रहे हैं मोहम्मद सरवर राणा साहब, बगलगीर हो रहे हैं नूर अमीन मैंगल साहब के नाल। वेलडन जिंदाबाद जी। सदके आप जुड़िए कबड्डी के करीब, हम उधर मेहमान ने मौजूद तशरीफ लाए सन, आप हम एक खेड में जुड़िए। चल पी अंसर डोगर पा कबड्डी। सदके जावा जिंदाबाद। उधर जनाब ताहर वहीद जट साहब सैकटरी पंजाब कबड्डी एसोसीएशन, सदके फुलों ने गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं। वेल डन जिंदाबाद। सोलह ग्राउंड सोनी खेल कमाला ही करी जाता, कमाला ही करी कहना मैं बाले कदांगा बंदिया दे बाले कदांगा मोटी कहता कप्तानियां उठिया ही होंदिया ने। टीम लाइन अप हो गई और मेहमान ने खसूसी जनाबे सैकटरी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड नूर अमीन मैंगल साहब, इन्होंने नाल मोहम्मद सरवर राणा साहब, नाल नाल ताहर वहीद जट साहब बकायदा तौर पर नौजवानों का हैंडशेक करेंगे, यादगिरी मुलाकात फरमाएंगे, ग्रुप फोटो सैशन होएगा। जनाबे मैं गुजारिश करांगा सैकटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जनाबे नूर अमीन मैंगल साहब बकायदा तौर पर नौजवानों का हैंडशेक करेंगे, यादगिरी मुलाकात फरमाएंगे। सैकटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जनाबे नूर अमीन मैंगल साहब, इन्होंने हमरा मोहम्मद सरवर राणा साहब के अगर गुजारिश तशरीफ लैके आएंगे। नाल जनाबे अहमद खान हरल साहब अपने नौजवानों के नाल मेहमान ने मौजूदम की मुलाकात, यादगिरी फोटो सैशन और इन लंबे हमें कैमरे के हक कैच करेंगे। फाइनल मुकाबला फाइनल चक्कर पंजाब यूनिवर्सिटी बा मुकाबला UCP मेहमान ने मौजूदम जनाबे नूर अमीन मैंगल साहब नौजवानों के नाल यादगिरी मुलाकात, यादगिरी हैंडशेक, इस तो बाद ग्रुप फोटो सैशन होएगा, फिर फाइनल मैच का किया जाएगा आगाज। फाइनल मुकाबला बिल्कुल तैयार बर तैयार जिंदाबाद जी। सदके ताड़ियां मारते हो करी जिन्हें दोस्त आप है, एक करी ताड़ियां मार दो कभी मुशरफ जावे जंजवा नजारा करता पाया कबड्डी का। फाइनल मुकाबला कभी पाकिस्तान एयरफोर्स कभी पाकिस्तान आपदा कभी HSC HEC कभी पाकिस्तान आर्मी और दीगर टीम ने पार्टीसपेट कर दी पी, सब टीम ख्वाहिश है कि जित के जाइए। और पाकिस्तान वापदा के कोच भी नजर आ रहे हैं जनाबे शुभाज मंदेशा साहब, वेलडन जिंदाबाद। और दीगर जिन्हें भी दोस्त कबड्डी जुड़े हुए लोग ने, कोचेज ने, खिलाड़ी ने, सब जी आने का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेहमान ने खसूसी जनाबे नूर अमीन मैंगल साहब सैकटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नौजवानों के नाल मुलाकात फरमा रहे हैं, हैंडशेक करते पे ने। उधर चीफ रैफरी जनाबे नवीन साजे चौधरी साहब के नाल मुलाकात फरमा रहे हैं। सैकटरी साहब मेहमान ने मौजूदम साहब वेलडन जिंदाबाद ऑफिशियल्स के नाल मुलाकात फरमा रहे हैं। मेहमान ने मौजूदम जनाबे नूर अमीन मैंगल साहब वेलडन जिंदाबाद, पीर तकीब शाह गलानी साहब। सदके इधर हम UCP की टीम के नाल मेहमान ने मौजूदम मुलाकात फरमा रहे हैं। जिंदाबाद जी। बहुत खूबसूरत नजारा, फब्बिया होया ग्राउंड पंजाब स्टेडियम लाहौर के विच, और पंजाब स्पोर्ट्स स्टेडियम की सारी इंतजामिया कमेटी के ममनून आ कि खेडा लोगों वधाउण दे विच हमेशा साथ दिता पाकिस्तान कबड्डी फैडरेशन का। उह ग्राउंड है जिस ग्राउंड 2020 वर्ल्ड कप भी तरतीब दिता गया और पूरी दुनिया के अपना पैगाम भेजिया वड्डा कट करके वड्डा टूरनामेंट तरतीब दे के कि पाकिस्तान के ग्राउंड आबाद ने और कबड्डी ने बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया। पाकिस्तान कबड्डी फैडरेशन ने भरपूर साथ दिता, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने भरपूर मुहब्बत दी कि पूरी दुनिया च असी अपना मैसेज देने कामयाब होए कि पाकिस्तान के ग्राउंड आबाद ने, पाकिस्तान च मुहब्बत है, पाकिस्तान च अमन है, पाकिस्तान च भाईचारा है। कबड्डी जिंदाबाद, कबड्डी जिंदाबाद। सदके UCP की टीम नाल मेहमान ने मौजूदम यादगिरी ग्रुप फोटो सैशन।
स्टेज के उपर तशरीफ फरमा पाकिस्तान की कबड्डी के सामू इस तो पहला भी तशरीफ लिया चुके पाकिस्तान पंजाब कबड्डी एसोसीएशन जनाबे बिशारत अली राजा साहब ने भरपूर प्यार किया खेड को अगर वधाने में बहुत पॉजिटिव गल्लां कीतियां तशरीफ फरमाने सैकटरी पंजाब कबड्डी एसोसीएशन जनाबे तहर भाई जट इन्होंने नाल नाल संगत दे विच ने पंजाब पाकिस्तान फिर इस जनाबे मुहम्मद सरवर राणा साहब वेल डन जिंदाबाद जी जनाबे सरवर साहब दे के गुजारिश है कि बराए मेहरबानी सरवर साहब मुहम्मद सरवर राणा साहब और जनाब तहर भाई जट साहब ग्राउंड नू इज्जत देन ऑफिशियल दे नाल स्पेशली ग्रुप फोटो सैशन फाइनल मुकाबला इंटरवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप 2022 आल पाकिस्तान।